वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, एक और जो खबर काफ़ी चौंकाने वाली इस समय निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे कि आपको पता है कि पटवारी लेखपाल का पेपर जो 8 जनवरी को शेड्यूल हुआ था और काफ़ी लोगों ने उसको पेपर दिया था और वो लीक हो गया था, जिसमें 35 उम्मीदवारों की इसमें पहचान हुई थी, लेकिन आयोग को SIT से नहीं मिली है अभी लिस्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात और जो चौंकाने वाली बात है कि जैसे कि आपको पता है कि पटवारी लेखपाल का जो परीक्षा है वो 12 फरवरी को रीशेड्यूल की गई है, यानी कि री एग्ज़ाम है। और उसी एग्ज़ाम में, जी हां, उसी एग्ज़ाम में दोबारा वही अभ्यर्थी फिर से शामिल होंगे और आयोग इस पर कुछ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ अब अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि पटवारी भर्ती पेपर लीक में शामिल युवा दोबारा परीक्षा में होंगे शामिल, क्योंकि आयोग के पास जो 35 अभ्यर्थियों की लिस्ट है वो SIT ने अभी तक नहीं दी है कि कौन कौन के अभ्यर्थी हैं। याद हो आपको, इससे पहले SIT या जो भी STF आप कह लें उसमें जाँच के दौरान 31 कैंडिडेट्स की तो पहचान हो गई थी, लेकिन बाकी के 4 कैंडिडेट्स की एक्चुअल पहचान नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप देख सकते हैं आयोग के अधिकारियों का तर्क, जब तक सूची नहीं आएगी तब तक कैसे प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि पटवारी भर्ती के पेपर लीक कांड में शामिल उम्मीदवार एक तकनीकी वजह से 12 फरवरी को दोबारा होने जा रही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी उत्तराखंड के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि जिनकी वजह से पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, वही कैंडिडेट भी उनके साथ दोबारा एग्ज़ाम देंगे। वो ये कहाँ संभव है, केवल उत्तराखंड में ही संभव है। तो आप देख सकते हैं युवा इस पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक, जी हाँ, जब तक पेपर लीक मामले में शामिल सभी उम्मीदवारों की पहचान नहीं होती है तब तक परीक्षा को टाला जाए। क्या यह संभव है, कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो आप देख सकते हैं कि पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले में अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने पेपर लीक करवाया था। इस मामले में STF ने करीब 35 उम्मीदवारों की पहचान की थी जो कि इस मामले में शामिल थे, लेकिन उनमें से 31 कैंडिडेट्स को ही एक्चुअल में आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अभी 4 लोगों को और आइडेंटिफाई करना है, लेकिन अब मामले की जांच जो है SIT कर रही है। इसी बीच आयोग ने परीक्षा रद्द कर फिर से 12 फरवरी को पुनः एग्जाम कराने का निर्णय लिया है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि जो उम्मीदवार सवाल उठा रहे हैं कि जब पेपर लीक कांड से जुड़े अभ्यर्थियों की पहचान ही नहीं हुई है तो किस तरह से यहां पर दोबारा परीक्षा करवाई जा रही है। और स्वाभाविक सी बात है कि वही अभ्यर्थी बिना सजा पाए इस परीक्षा में दोबारा बैठेंगे, और अगर उन्होंने इसको जो है सफलतापूर्वक एग्जाम पास कर लिया तो सोचिए उत्तराखंड का भविष्य कहाँ जा रहा है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं, वहीं आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच SIT कर रही है, जब तक इस मामले में शामिल उम्मीदवारों की सूची उनके पास नहीं आएगी तब तक आयोग उन्हें परीक्षा से प्रतिबंधित करने जैसा फैसला नहीं ले सकता है। लिहाजा यह माना जाए कि अगर 12 फरवरी से पहले SIT ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध नहीं कराई तो 12 फरवरी को होने वाली पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में वही अभ्यर्थी फिर से शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर युवाओं का कहना है कि ऐसा करने से परीक्षा फिर कटघरे में आ सकती है, जबकि आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि इस बारे में अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी इस तरह की लिस्ट मांगी है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कि अगर आपके पास ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट है तो इस पर जो है साझा करें। बाकी इस खबर पर यार आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पूरा का पूरा सिस्टम का फेलियर है, जिसकी वजह से जितने भी लोग हैं अभी तक इसका फ़ायदा उठा रहे थे और आगे भी उठाते रहेंगे अगर सही समय पर सही कानून और सही मामलों की जाँच नहीं की जाएगी। बाकी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।